हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में पवन कल्याण की फिल्म ओजी की शूटिंग शुरू हो गई है, इसकी न्यू जानकारी सामने आई है, इसके बारे में जानेंगे। साउथ सुपरस्टार पवन कल्याण वर्तमान में आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपनी जिम्मेदारी में व्यस्त है। इसके साथ ही वे अपने बहुप्रतीक्षित फिल्म ओजी को लेकर भी चर्चा में बने हुए हैं। हालांकि अब सिनेमा में उनकी वापसी का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सुजीत द्वारा निर्देशित उनकी आगामी फिल्म ओजी दर्शकों के बीच उत्साह पैदा कर रही है। वहीं अब इस फिल्म से जुड़ी नई जानकारी सामने आई है। पवन कल्याण की बहुप्रतीक्षित फिल्म दे कॉल हिम ओजी उफ ओजी पर लंबे समय से काम चल रहा है। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बनने की बात पवन कल्याण की राजनीतिक प्रतिबद्धता के कारण फिल्म निर्माण में कुछ देरी हुई। सुजीत द्वारा निर्देशित इस एक्शन थ्रिलर फिल्म का प्रशासक द्वारा बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। ओजी निर्माता ने लंबे अंतराल के बाद शूटिंग फिर से शुरू कर दी है। टीम ने सेट से निर्देशक सुजीत की एक तस्वीर साझा की है और यह अपडेट इंटरनेट पर धूम मचा रहा है। वर्तमान में टीम उन दृश्यों को फिल्मा रहे हैं जिनमें पवन कल्याण की उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है। पवन कल्याण बाद में शूटिंग में शामिल हो गए। फिल्म में प्रियंका मोहन भी मुख्य भूमिका में है। बॉलीवुड अभिनेता इब्राहिम हाशमी पावरफुल पवन कल्याण के दुश्मन की भूमिका निभा रहे है। श्रेया रेड्डी, अर्जुन दास, हरीश उत्तमन, अभिमन्यु सिंह और अन्य इस गैंगस्टर एक्शन ड्रामा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। थमन ने फिल्म को संगीत दिया है। बीवीवी दानिया इस बड़े फिल्म का निर्माण कर रहे हैं। हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में पवन कल्याण की फिल्म ओजी की शूटिंग शुरू हो गई है, इसकी न्यू जानकारी सामने आई है, इसके बारे में जानेंगे। साउथ सुपरस्टार पवन कल्याण वर्तमान में आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपनी जिम्मेदारी में व्यस्त हैं। इसके साथ ही वे अपने बहुप्रतीक्षित फिल्म ओजी को लेकर भी चर्चा में बने हुए हैं। हालांकि अब सिनेमा में उनकी वापसी का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सुजीत द्वारा निर्देशित उनकी आगामी फिल्म ओजी दर्शकों के बीच उत्साह पैदा कर रही है। वहीं अब इस फिल्म से जुड़ी नई जानकारी सामने आई है। पवन कल्याण की बहुप्रतीक्षित फिल्म दे कॉल हिम ओजी उफ ओजी पर लंबे समय से काम चल रहा है। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बनने की बात पवन कल्याण की राजनीतिक प्रतिबद्धता के कारण फिल्म निर्माण में कुछ देरी हुई। सुजीत द्वारा निर्देशित इस एक्शन थ्रिलर फिल्म का प्रशासक द्वारा बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। ओजी निर्माता ने लंबे अंतराल के बाद शूटिंग फिर से शुरू कर दी है। टीम ने सेट से निर्देशक सुजीत की एक तस्वीर साझा की है और यह अपडेट इंटरनेट पर धूम मचा रहा है। वर्तमान में टीम उन दृश्यों को फिल्मा रहे हैं जिनमें पवन कल्याण की उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है। पवन कल्याण बाद में शूटिंग में शामिल हो गए। फिल्म में प्रियंका मोहन भी मुख्य भूमिका में है। बॉलीवुड अभिनेता इब्राहिम हाशमी पावरफुल पवन कल्याण के दुश्मन की भूमिका निभा रहे है। श्रेया रेड्डी, अर्जुन दास, हरीश उत्तमन, अभिमन्यु सिंह और अन्य इस गैंगस्टर एक्शन ड्रामा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। थमन ने फिल्म को संगीत दिया है। बीवीवी दानिया इस बड़े फिल्म का निर्माण कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में पवन कल्याण की फिल्म ओजी की शूटिंग शुरू हो गई है, इसकी न्यू जानकारी सामने आई है, इसके बारे में जानेंगे। साउथ सुपरस्टार पवन कल्याण वर्तमान में आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपनी जिम्मेदारी में व्यस्त हैं। इसके साथ ही वे अपने बहुप्रतीक्षित फिल्म ओजी को लेकर भी चर्चा में बने हुए हैं। हालांकि अब सिनेमा में उनकी वापसी का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सुजीत द्वारा निर्देशित उनकी आगामी फिल्म ओजी दर्शकों के बीच उत्साह पैदा कर रही है। वहीं अब इस फिल्म से जुड़ी नई जानकारी सामने आई है। पवन कल्याण की बहुप्रतीक्षित फिल्म दे कॉल हिम
ओजी उर्फ ओजी पर लंबे समय से काम चल रहा है। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बनने की बात पवन कल्याण की राजनीतिक प्रतिबद्धता के कारण फिल्म निर्माण में कुछ देरी हुई। सुजीत द्वारा निर्देशित इस एक्शन थ्रिलर फिल्म का प्रशासक द्वारा बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। ओजी निर्माता ने लंबे अंतराल के बाद शूटिंग फिर से शुरू कर दी है। टीम ने सेट से निर्देशक सुजीत की एक तस्वीर साझा की है और यह अपडेट इंटरनेट पर धूम मचा रहा है। वर्तमान में टीम उन दृश्यों को फिल्मा रहे है जिनमें पवन कल्याण की उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है। पवन कल्याण बाद में शूटिंग में शामिल हो गए। फिल्म में प्रियंका मोहन भी मुख्य भूमिका में है। बॉलीवुड अभिनेता इब्राहिम हाशमी पावरफुल पवन कल्याण के दुश्मन की भूमिका निभा रहे हैं। श्रेया रेड्डी, अर्जुन दास, हरीश उत्तमन, अभिमन्यु सिंह और अन्य इस गैंगस्टर एक्शन ड्रामा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। थमन ने फिल्म को संगीत दिया है। डीवीवी दानिया इस बड़े फिल्म का निर्माण कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में पवन कल्याण की फिल्म ओजी की शूटिंग शुरू हो गई है, इसकी न्यू जानकारी सामने आई है, इसके बारे में जानेंगे। साउथ सुपरस्टार पवन कल्याण वर्तमान में आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपनी जिम्मेदारी में व्यस्त है। इसके साथ ही वे अपने बहुप्रतीक्षित फिल्म ओजी को लेकर भी चर्चा में बने हुए हैं। हालांकि अब सिनेमा में उनकी वापसी का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सुजीत द्वारा निर्देशित उनकी आगामी फिल्म ओजी दर्शकों के बीच उत्साह पैदा कर रही है। वही अब इस फिल्म से जुड़ी नई जानकारी सामने आई है। पवन कल्याण की बहुप्रतीक्षित फिल्म दे कॉल हिम ओजी उफ ओजी पर लंबे समय से काम चल रहा है। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बनने की बात पवन कल्याण की राजनीतिक प्रतिबद्धता के कारण फिल्म निर्माण में कुछ देरी हुई। सुजीत द्वारा निर्देशित इस एक्शन थ्रिलर फिल्म का प्रशासक द्वारा बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। ओजी निर्माता ने लंबे अंतराल के बाद शूटिंग फिर से शुरू कर दी है। टीम ने सेट से निर्देशक सुजीत की एक तस्वीर साझा की है और यह अपडेट इंटरनेट पर धूम मचा रहा है। वर्तमान में टीम उन दृश्यों को फिल्मा रहे है जिनमें पवन कल्याण की उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है। पवन कल्याण बाद में शूटिंग में शामिल हो गए। फिल्म में प्रियंका मोहन भी मुख्य भूमिका में है। बॉलीवुड अभिनेता इब्राहिम हाशमी पावरफुल पवन कल्याण के दुश्मन की भूमिका निभा रहे हैं। श्रेया रेड्डी, अर्जुन दास, हरीश उत्तमन, अभिमन्यु सिंह और अन्य इस गैंगस्टर एक्शन ड्रामा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। थमन ने फिल्म को संगीत दिया है। डीवीवी दानिया इस बड़े फिल्म का निर्माण कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में पवन कल्याण की फिल्म ओजी की शूटिंग शुरू हो गई है, इसकी न्यू जानकारी सामने आई है, इसके बारे में जानेंगे। साउथ सुपरस्टार पवन कल्याण वर्तमान में आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपनी जिम्मेदारी में व्यस्त है। इसके साथ ही वे अपने बहुप्रतीक्षित फिल्म ओजी को लेकर भी चर्चा में बने हुए हैं। हालांकि अब सिनेमा में उनकी वापसी का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सुजीत द्वारा निर्देशित उनकी आगामी फिल्म ओजी दर्शकों के बीच उत्साह पैदा कर रही है। वही अब इस फिल्म से जुड़ी नई जानकारी सामने आई है। पवन कल्याण की बहुप्रतीक्षित फिल्म दे कॉल हिम ओजी उफ ओजी पर लंबे समय से काम चल रहा है। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बनने की बात पवन कल्याण की राजनीतिक प्रतिबद्धता के कारण फिल्म निर्माण में कुछ देरी हुई। सुजीत द्वारा निर्देशित इस एक्शन थ्रिलर फिल्म का प्रशासक द्वारा बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। ओजी निर्माता ने लंबे अंतराल के बाद शूटिंग फिर से शुरू कर दी है। टीम ने सेट से निर्देशक सुजीत की एक तस्वीर साझा की है और यह अपडेट इंटरनेट पर धूम मचा रहा है। वर्तमान में टीम उन दृश्यों को फिल्मा रहे है जिनमें पवन कल्याण की उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है। पवन कल्याण बाद में शूटिंग में शामिल हो गए। फिल्म में प्रियंका मोहन भी मुख्य भूमिका में है। बॉलीवुड अभिनेता इब्राहिम हाशमी
पावरफुल पवन कल्याण के दुश्मन की भूमिका निभा रहे हैं। श्रेया रेड्डी, अर्जुन दास, हरीश उत्तमन, अभिमन्यु सिंह और अन्य इस गैंगस्टर एक्शन ड्रामा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। थमन ने फिल्म को संगीत दिया है। बीवीवी दानिया इस बड़े फिल्म का निर्माण कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में पवन कल्याण की फिल्म ओजी की शूटिंग शुरू हो गई है, इसकी न्यू जानकारी सामने आई है, इसके बारे में जानेंगे। साउथ सुपरस्टार पवन कल्याण वर्तमान में आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपनी जिम्मेदारी में व्यस्त है। इसके साथ ही वे अपने बहुप्रतीक्षित फिल्म ओजी को लेकर भी चर्चा में बने हुए हैं। हालांकि अब सिनेमा में उनकी वापसी का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सुजीत द्वारा निर्देशित उनकी आगामी फिल्म ओजी दर्शकों के बीच उत्साह पैदा कर रही है। वहीं अब इस फिल्म से जुड़ी नई जानकारी सामने आई है। पवन कल्याण की बहुप्रतीक्षित फिल्म दे कॉल हिम ओजी उफ ओजी पर लंबे समय से काम चल रहा है। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बनने की बात पवन कल्याण की राजनीतिक प्रतिबद्धता के कारण फिल्म निर्माण में कुछ देरी हुई। सुजीत द्वारा निर्देशित इस एक्शन थ्रिलर फिल्म का प्रशासक द्वारा बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। ओजी निर्माता ने लंबे अंतराल के बाद शूटिंग फिर से शुरू कर दी है। टीम ने सेट से निर्देशक सुजीत की एक तस्वीर साझा की है और यह अपडेट इंटरनेट पर धूम मचा रहा है। वर्तमान में टीम उन दृश्यों को फिल्मा रहे हैं जिनमें पवन कल्याण की उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है। पवन कल्याण बाद में शूटिंग में शामिल हो गए। फिल्म में प्रियंका मोहन भी मुख्य भूमिका में है। बॉलीवुड अभिनेता इब्राहिम हाशमी पावरफुल पवन कल्याण के दुश्मन की भूमिका निभा रहे हैं। श्रेया रेड्डी, अर्जुन दास, हरीश उत्तमन, अभिमन्यु सिंह और अन्य इस गैंगस्टर एक्शन ड्रामा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। थमन ने फिल्म को संगीत दिया है। बीवीवी दानिया इस बड़े फिल्म का निर्माण कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में पवन कल्याण की फिल्म ओजी की शूटिंग शुरू हो गई है, इसकी न्यू जानकारी सामने आई है, इसके बारे में जानेंगे। साउथ सुपरस्टार पवन कल्याण वर्तमान में आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपनी जिम्मेदारी में व्यस्त हैं। इसके साथ ही वे अपने बहुप्रतीक्षित फिल्म ओजी को लेकर भी चर्चा में बने हुए हैं। हालांकि अब सिनेमा में उनकी वापसी का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सुजीत द्वारा निर्देशित उनकी आगामी फिल्म ओजी दर्शकों के बीच उत्साह पैदा कर रही है। वहीं अब इस फिल्म से जुड़ी नई जानकारी सामने आई है। पवन कल्याण की बहुप्रतीक्षित फिल्म दे कॉल हिम ओजी उफ ओजी पर लंबे समय से काम चल रहा है। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बनने की बात पवन कल्याण की राजनीतिक प्रतिबद्धता के कारण फिल्म निर्माण में कुछ देरी हुई। सुजीत द्वारा निर्देशित इस एक्शन थ्रिलर फिल्म का प्रशासक द्वारा बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। ओजी निर्माता ने लंबे अंतराल के बाद शूटिंग फिर से शुरू कर दी है। टीम ने सेट से निर्देशक सुजीत की एक तस्वीर साझा की है और यह अपडेट इंटरनेट पर धूम मचा रहा है। वर्तमान में टीम उन दृश्यों को फिल्मा रहे हैं जिनमें पवन कल्याण की उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है। पवन कल्याण बाद में शूटिंग में शामिल हो गए। फिल्म में प्रियंका मोहन भी मुख्य भूमिका में है। बॉलीवुड अभिनेता इब्राहिम हाशमी पावरफुल पवन कल्याण के दुश्मन की भूमिका निभा रहे हैं। श्रेया रेड्डी, अर्जुन दास, हरीश उत्तमन, अभिमन्यु सिंह और अन्य इस गैंगस्टर एक्शन ड्रामा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। थमन ने फिल्म को संगीत दिया है। बीवीवी दानिया इस बड़े फिल्म का निर्माण कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में पवन कल्याण की फिल्म ओजी की शूटिंग शुरू हो गई है, इसकी न्यू जानकारी सामने आई है, इसके बारे में जानेंगे। साउथ सुपरस्टार पवन कल्याण वर्तमान में आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपनी जिम्मेदारी में व्यस्त हैं। इसके साथ ही वे अपने बहुप्रतीक्षित फिल्म ओजी को लेकर भी चर्चा में बने हुए हैं। हालांकि अब सिनेमा में उनकी वापसी का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
सुजीत द्वारा निर्देशित उनकी आगामी फिल्म ओजी दर्शकों के बीच उत्साह पैदा कर रही है। वहीं अब इस फिल्म से जुड़ी नई जानकारी सामने आई है। पवन कल्याण की बहुप्रतीक्षित फिल्म दे कॉल हिम ओजी उफ ओजी पर लंबे समय से काम चल रहा है। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बनने की बात पवन कल्याण की राजनीतिक प्रतिबद्धता के कारण फिल्म निर्माण में कुछ देरी हुई। सुजीत द्वारा निर्देशित इस एक्शन थ्रिलर फिल्म का प्रशासक द्वारा बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। ओजी निर्माता ने लंबे अंतराल के बाद शूटिंग फिर से शुरू कर दी है। टीम ने सेट से निर्देशक सुजीत की एक तस्वीर साझा की है और यह अपडेट इंटरनेट पर धूम मचा रहा है। वर्तमान में टीम उन दृश्यों को फिल्मा रहे हैं जिनमें पवन कल्याण की उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है। पवन कल्याण बाद में शूटिंग में शामिल हो गए। फिल्म में प्रियंका मोहन भी मुख्य भूमिका में है। बॉलीवुड अभिनेता इब्राहिम हाशमी पावरफुल पवन कल्याण के दुश्मन की भूमिका निभा रहे है। श्रेया रेड्डी, अर्जुन दास, हरीश उत्तमन, अभिमन्यु सिंह और अन्य इस गैंगस्टर एक्शन ड्रामा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। थमन ने फिल्म को संगीत दिया है। बीवीवी दानिया इस बड़े फिल्म का निर्माण कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में पवन कल्याण की फिल्म ओजी की शूटिंग शुरू हो गई है। इसकी न्यू जानकारी सामने आई है, इसके बारे में जानेंगे। साउथ सुपरस्टार पवन कल्याण वर्तमान में आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपनी जिम्मेदारी में व्यस्त हैं। इसके साथ ही वे अपने बहुप्रतीक्षित फिल्म ओजी को लेकर भी चर्चा में बने हुए हैं। हालांकि अब सिनेमा में उनकी वापसी का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सुजीत द्वारा निर्देशित उनकी आगामी फिल्म ओजी दर्शकों के बीच उत्साह पैदा कर रही है। वही अब इस फिल्म से जुड़ी नई जानकारी सामने आई है। पवन कल्याण की बहुप्रतीक्षित फिल्म दे कॉल हिम ओजी उफ ओजी पर लंबे समय से काम चल रहा है। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बनने की बात पवन कल्याण की राजनीतिक प्रतिबद्धता के कारण फिल्म निर्माण में कुछ देरी हुई। सुजीत द्वारा निर्देशित इस एक्शन थ्रिलर फिल्म का प्रशासक द्वारा बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। ओजी निर्माता ने लंबे अंतराल के बाद शूटिंग फिर से शुरू कर दी है। टीम ने सेट से निर्देशक सुजीत की एक तस्वीर साझा की है और यह अपडेट इंटरनेट पर धूम मचा रहा है। वर्तमान में टीम उन दृश्यों को फिल्मा रहे हैं जिनमें पवन कल्याण की उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है। पवन कल्याण बाद में शूटिंग में शामिल हो गए। फिल्म में प्रियंका मोहन भी मुख्य भूमिका में है। बॉलीवुड अभिनेता इब्राहिम हाशमी पावरफुल पवन कल्याण के दुश्मन की भूमिका निभा रहे है। श्रेया रेड्डी, अर्जुन दास, हरीश उत्तमन, अभिमन्यु सिंह और अन्य इस गैंगस्टर एक्शन ड्रामा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। थमन ने फिल्म को संगीत दिया है। बीवीवी दानिया इस बड़े फिल्म का निर्माण कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में पवन कल्याण की फिल्म ओजी की शूटिंग शुरू हो गई है। इसकी न्यू जानकारी सामने आई है, इसके बारे में जानेंगे। साउथ सुपरस्टार पवन कल्याण वर्तमान में आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपनी जिम्मेदारी में व्यस्त हैं। इसके साथ ही वे अपने बहुप्रतीक्षित फिल्म ओजी को लेकर भी चर्चा में बने हुए हैं। हालांकि अब सिनेमा में उनकी वापसी का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सुजीत द्वारा निर्देशित उनकी आगामी फिल्म ओजी दर्शकों के बीच उत्साह पैदा कर रही है। वही अब इस फिल्म से जुड़ी नई जानकारी सामने आई है। पवन कल्याण की बहुप्रतीक्षित फिल्म दे कॉल हिम ओजी उफ ओजी पर लंबे समय से काम चल रहा है। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बनने की बात पवन कल्याण की राजनीतिक प्रतिबद्धता के कारण फिल्म निर्माण में कुछ देरी हुई। सुजीत द्वारा निर्देशित इस एक्शन थ्रिलर फिल्म का प्रशासक द्वारा बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। ओजी निर्माता ने लंबे अंतराल के बाद शूटिंग फिर से शुरू कर दी है। टीम ने सेट से निर्देशक सुजीत की एक तस्वीर साझा की है
और यह अपडेट इंटरनेट पर धूम मचा रहा है। वर्तमान में टीम उन दृश्यों को फिल्मा रहे हैं जिनमें पवन कल्याण की उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है। पवन कल्याण बाद में शूटिंग में शामिल हो गए। फिल्म में प्रियंका मोहन भी मुख्य भूमिका में है। बॉलीवुड अभिनेता इब्राहिम हाशमी पावरफुल पवन कल्याण के दुश्मन की भूमिका निभा रहे हैं। श्रेया रेड्डी, अर्जुन दास, हरीश उत्तमन, अभिमन्यु सिंह और अन्य इस गैंगस्टर एक्शन ड्रामा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। थमन ने फिल्म को संगीत दिया है। बीवीवी दानिया इस बड़े फिल्म का निर्माण कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में पवन कल्याण की फिल्म ओजी की शूटिंग शुरू हो गई है, इसकी न्यू जानकारी सामने आई है, इसके बारे में जानेंगे। साउथ सुपरस्टार पवन कल्याण वर्तमान में आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपनी जिम्मेदारी में व्यस्त हैं। इसके साथ ही वे अपने बहुप्रतीक्षित फिल्म ओजी को लेकर भी चर्चा में बने हुए हैं। हालांकि अब सिनेमा में उनकी वापसी का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सुजीत द्वारा निर्देशित उनकी आगामी फिल्म ओजी दर्शकों के बीच उत्साह पैदा कर रही है। वही अब इस फिल्म से जुड़ी नई जानकारी सामने आई है। पवन कल्याण की बहुप्रतीक्षित फिल्म दे कॉल हिम ओजी उफ ओजी पर लंबे समय से काम चल रहा है। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बनने की बात पवन कल्याण की राजनीतिक प्रतिबद्धता के कारण फिल्म निर्माण में कुछ देरी हुई। सुजीत द्वारा निर्देशित इस एक्शन थ्रिलर फिल्म का प्रशासक द्वारा बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। ओजी निर्माता ने लंबे अंतराल के बाद शूटिंग फिर से शुरू कर दी है। टीम ने सेट से निर्देशक सुजीत की एक तस्वीर साझा की है और यह अपडेट इंटरनेट पर धूम मचा रहा है। वर्तमान में टीम उन दृश्यों को फिल्मा रहे हैं जिनमें पवन कल्याण की उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है। पवन कल्याण बाद में शूटिंग में शामिल हो गए। फिल्म में प्रियंका मोहन भी मुख्य भूमिका में है। बॉलीवुड अभिनेता इब्राहिम हाशमी पावरफुल पवन कल्याण के दुश्मन की भूमिका निभा रहे हैं। श्रेया रेड्डी, अर्जुन दास, हरीश उत्तमन, अभिमन्यु सिंह और अन्य इस गैंगस्टर एक्शन ड्रामा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। थमन ने फिल्म को संगीत दिया है। बीवीवी दानिया इस बड़े फिल्म का निर्माण कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में पवन कल्याण की फिल्म ओजी की शूटिंग शुरू हो गई है, इसकी न्यू जानकारी सामने आई है, इसके बारे में जानेंगे। साउथ सुपरस्टार पवन कल्याण वर्तमान में आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपनी जिम्मेदारी में व्यस्त हैं। इसके साथ ही वे अपने बहुप्रतीक्षित फिल्म ओजी को लेकर भी चर्चा में बने हुए हैं। हालांकि अब सिनेमा में उनकी वापसी का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सुजीत द्वारा निर्देशित उनकी आगामी फिल्म ओजी दर्शकों के बीच उत्साह पैदा कर रही है। वही अब इस फिल्म से जुड़ी नई जानकारी सामने आई है। पवन कल्याण की बहुप्रतीक्षित फिल्म दे कॉल हिम ओजी उफ ओजी पर लंबे समय से काम चल रहा है। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बनने की बात पवन कल्याण की राजनीतिक प्रतिबद्धता के कारण फिल्म निर्माण में कुछ देरी हुई। सुजीत द्वारा निर्देशित इस एक्शन थ्रिलर फिल्म का प्रशासक द्वारा बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। ओजी निर्माता ने लंबे अंतराल के बाद शूटिंग फिर से शुरू कर दी है। टीम ने सेट से निर्देशक सुजीत की एक तस्वीर साझा की है और यह अपडेट इंटरनेट पर धूम मचा रहा है। वर्तमान में टीम उन दृश्यों को फिल्मा रहे हैं जिनमें पवन कल्याण की उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है। पवन कल्याण बाद में शूटिंग में शामिल हो गए। फिल्म में प्रियंका मोहन भी मुख्य भूमिका में है। बॉलीवुड अभिनेता इब्राहिम हाशमी पावरफुल पवन कल्याण के दुश्मन की भूमिका निभा रहे हैं। श्रेया रेड्डी, अर्जुन दास, हरीश उत्तमन, अभिमन्यु सिंह और अन्य इस गैंगस्टर एक्शन ड्रामा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। थमन ने फिल्म को संगीत दिया है। बीवीवी दानिया इस बड़े फिल्म का निर्माण कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में पवन कल्याण की फिल्म ओजी की शूटिंग शुरू हो गई है, इसकी न्यू जानकारी सामने आई है, इसके बारे में जानेंगे।
साउथ सुपरस्टार पवन कल्याण वर्तमान में आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपनी जिम्मेदारी में व्यस्त हैं। इसके साथ ही वे अपने बहुप्रतीक्षित फिल्म ओजी को लेकर भी चर्चा में बने हुए हैं। हालांकि अब सिनेमा में उनकी वापसी का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सुजीत द्वारा निर्देशित उनकी आगामी फिल्म ओजी दर्शकों के बीच उत्साह पैदा कर रही है। वही अब इस फिल्म से जुड़ी नई जानकारी सामने आई है। पवन कल्याण की बहुप्रतीक्षित फिल्म दे कॉल हिम ओजी उफ ओजी पर लंबे समय से काम चल रहा है। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बनने की बात पवन कल्याण की राजनीतिक प्रतिबद्धता के कारण फिल्म निर्माण में कुछ देरी हुई। सुजीत द्वारा निर्देशित इस एक्शन थ्रिलर फिल्म का प्रशासक द्वारा बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। ओजी निर्माता ने लंबे अंतराल के बाद शूटिंग फिर से शुरू कर दी है। टीम ने सेट से निर्देशक सुजीत की एक तस्वीर साझा की है और यह अपडेट इंटरनेट पर धूम मचा रहा है। वर्तमान में टीम उन दृश्यों को फिल्मा रहे है जिनमें पवन कल्याण की उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है। पवन कल्याण बाद में शूटिंग में शामिल हो गए। फिल्म में प्रियंका मोहन भी मुख्य भूमिका में है। बॉलीवुड अभिनेता इब्राहिम हाशमी पावरफुल पवन कल्याण के दुश्मन की भूमिका निभा रहे हैं। श्रेया रेड्डी, अर्जुन दास, हरीश उत्तमन, अभिमन्यु सिंह और अन्य इस गैंगस्टर एक्शन ड्रामा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। थमन ने फिल्म को संगीत दिया है। डीवीवी दानिया इस बड़े फिल्म का निर्माण कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में पवन कल्याण की फिल्म ओजी की शूटिंग शुरू हो गई है, इसकी न्यू जानकारी सामने आई है, इसके बारे में जानेंगे। साउथ सुपरस्टार पवन कल्याण वर्तमान में आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपनी जिम्मेदारी में व्यस्त है। इसके साथ ही वे अपने बहुप्रतीक्षित फिल्म ओजी को लेकर भी चर्चा में बने हुए हैं। हालांकि अब सिनेमा में उनकी वापसी का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सुजीत द्वारा निर्देशित उनकी आगामी फिल्म ओजी दर्शकों के बीच उत्साह पैदा कर रही है। वही अब इस फिल्म से जुड़ी नई जानकारी सामने आई है। पवन कल्याण की बहुप्रतीक्षित फिल्म दे कॉल हिम ओजी उफ ओजी पर लंबे समय से काम चल रहा है। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बनने की बात पवन कल्याण की राजनीतिक प्रतिबद्धता के कारण फिल्म निर्माण में कुछ देरी हुई। सुजीत द्वारा निर्देशित इस एक्शन थ्रिलर फिल्म का प्रशासक द्वारा बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। ओजी निर्माता ने लंबे अंतराल के बाद शूटिंग फिर से शुरू कर दी है। टीम ने सेट से निर्देशक सुजीत की एक तस्वीर साझा की है और यह अपडेट इंटरनेट पर धूम मचा रहा है। वर्तमान में टीम उन दृश्यों को फिल्मा रहे है जिनमें पवन कल्याण की उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है। पवन कल्याण बाद में शूटिंग में शामिल हो गए। फिल्म में प्रियंका मोहन भी मुख्य भूमिका में है। बॉलीवुड अभिनेता इब्राहिम हाशमी पावरफुल पवन कल्याण के दुश्मन की भूमिका निभा रहे हैं। श्रेया रेड्डी, अर्जुन दास, हरीश उत्तमन, अभिमन्यु सिंह और अन्य इस गैंगस्टर एक्शन ड्रामा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। थमन ने फिल्म को संगीत दिया है। डीवीवी दानिया इस बड़े फिल्म का निर्माण कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में पवन कल्याण की फिल्म ओजी की शूटिंग शुरू हो गई है, इसकी न्यू जानकारी सामने आई है, इसके बारे में जानेंगे। साउथ सुपरस्टार पवन कल्याण वर्तमान में आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपनी जिम्मेदारी में व्यस्त हैं। इसके साथ ही वे अपने बहुप्रतीक्षित फिल्म ओजी को लेकर भी चर्चा में बने हुए हैं। हालांकि अब सिनेमा में उनकी वापसी का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सुजीत द्वारा निर्देशित उनकी आगामी फिल्म ओजी दर्शकों के बीच उत्साह पैदा कर रही है। वही अब इस फिल्म से जुड़ी नई जानकारी सामने आई है। पवन कल्याण की बहुप्रतीक्षित फिल्म दे कॉल हिम ओजी उफ ओजी पर लंबे समय से काम चल रहा है। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बनने की बात पवन कल्याण की राजनीतिक प्रतिबद्धता के कारण फिल्म निर्माण में कुछ देरी हुई। सुजीत द्वारा
निर्देशित इस एक्शन थ्रिलर फिल्म का प्रशासक द्वारा बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। ओजी निर्माता ने लंबे अंतराल के बाद शूटिंग फिर से शुरू कर दी है। टीम ने सेट से निर्देशक सुजीत की एक तस्वीर साझा की है और यह अपडेट इंटरनेट पर धूम मचा रहा है। वर्तमान में टीम उन दृश्यों को फिल्मा रहे हैं जिनमें पवन कल्याण की उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है। पवन कल्याण बाद में शूटिंग में शामिल हो गए। फिल्म में प्रियंका मोहन भी मुख्य भूमिका में है। बॉलीवुड अभिनेता इब्राहिम हाशमी पावरफुल पवन कल्याण के दुश्मन की भूमिका निभा रहे हैं। श्रेया रेड्डी, अर्जुन दास, हरीश उत्तमन, अभिमन्यु सिंह और अन्य इस गैंगस्टर एक्शन ड्रामा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। थमन ने फिल्म को संगीत दिया है। बीवीवी दानिया इस बड़े फिल्म का निर्माण कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में पवन कल्याण की फिल्म ओजी की शूटिंग शुरू हो गई है, इसकी न्यू जानकारी सामने आई है, इसके बारे में जानेंगे। साउथ सुपरस्टार पवन कल्याण वर्तमान में आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपनी जिम्मेदारी में व्यस्त हैं। इसके साथ ही वे अपने बहुप्रतीक्षित फिल्म ओजी को लेकर भी चर्चा में बने हुए हैं। हालांकि अब सिनेमा में उनकी वापसी का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सुजीत द्वारा निर्देशित उनकी आगामी फिल्म ओजी दर्शकों के बीच उत्साह पैदा कर रही है। वही अब इस फिल्म से जुड़ी नई जानकारी सामने आई है। पवन कल्याण की बहुप्रतीक्षित फिल्म दे कॉल हिम ओजी उफ ओजी पर लंबे समय से काम चल रहा है। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बनने की बात पवन कल्याण की राजनीतिक प्रतिबद्धता के कारण फिल्म निर्माण में कुछ देरी हुई। सुजीत द्वारा निर्देशित इस एक्शन थ्रिलर फिल्म का प्रशासक द्वारा बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। ओजी निर्माता ने लंबे अंतराल के बाद शूटिंग फिर से शुरू कर दी है। टीम ने सेट से निर्देशक सुजीत की एक तस्वीर साझा की है और यह अपडेट इंटरनेट पर धूम मचा रहा है। वर्तमान में टीम उन दृश्यों को फिल्मा रहे हैं जिनमें पवन कल्याण की उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है। पवन कल्याण बाद में शूटिंग में शामिल हो गए। फिल्म में प्रियंका मोहन भी मुख्य भूमिका में है। बॉलीवुड अभिनेता इब्राहिम हाशमी पावरफुल पवन कल्याण के दुश्मन की भूमिका निभा रहे हैं। श्रेया रेड्डी, अर्जुन दास, हरीश उत्तमन, अभिमन्यु सिंह और अन्य इस गैंगस्टर एक्शन ड्रामा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। थमन ने फिल्म को संगीत दिया है। बीवीवी दानिया इस बड़े फिल्म का निर्माण कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में पवन कल्याण की फिल्म ओजी की शूटिंग शुरू हो गई है, इसकी न्यू जानकारी सामने आई है, इसके बारे में जानेंगे। साउथ सुपरस्टार पवन कल्याण वर्तमान में आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपनी जिम्मेदारी में व्यस्त हैं। इसके साथ ही वे अपने बहुप्रतीक्षित फिल्म ओजी को लेकर भी चर्चा में बने हुए हैं। हालांकि अब सिनेमा में उनकी वापसी का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सुजीत द्वारा निर्देशित उनकी आगामी फिल्म ओजी दर्शकों के बीच उत्साह पैदा कर रही है। वही अब इस फिल्म से जुड़ी नई जानकारी सामने आई है। पवन कल्याण की बहुप्रतीक्षित फिल्म दे कॉल हिम ओजी उफ ओजी पर लंबे समय से काम चल रहा है। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बनने की बात पवन कल्याण की राजनीतिक प्रतिबद्धता के कारण फिल्म निर्माण में कुछ देरी हुई। सुजीत द्वारा निर्देशित इस एक्शन थ्रिलर फिल्म का प्रशासक द्वारा बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। ओजी निर्माता ने लंबे अंतराल के बाद शूटिंग फिर से शुरू कर दी है। टीम ने सेट से निर्देशक सुजीत की एक तस्वीर साझा की है और यह अपडेट इंटरनेट पर धूम मचा रहा है। वर्तमान में टीम उन दृश्यों को फिल्मा रहे हैं जिनमें पवन कल्याण की उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है। पवन कल्याण बाद में शूटिंग में शामिल हो गए। फिल्म में प्रियंका मोहन भी मुख्य भूमिका में है। बॉलीवुड अभिनेता इब्राहिम हाशमी पावरफुल पवन कल्याण के दुश्मन की भूमिका निभा रहे हैं। श्रेया रेड्डी, अर्जुन दास, हरीश उत्तमन, अभिमन्यु सिंह और अन्य इस गैंगस्टर एक्शन ड्रामा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।
थमन ने फिल्म को संगीत दिया है। डीवीवी दानिया इस बड़े फिल्म का निर्माण कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में पवन कल्याण की फिल्म ओजी की शूटिंग शुरू हो गई है, इसकी न्यू जानकारी सामने आई है, इसके बारे में जानेंगे। साउथ सुपरस्टार पवन कल्याण वर्तमान में आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपनी जिम्मेदारी में व्यस्त है। इसके साथ ही वे अपने बहुप्रतीक्षित फिल्म ओजी को लेकर भी चर्चा में बने हुए हैं। हालांकि अब सिनेमा में उनकी वापसी का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सुजीत द्वारा निर्देशित उनकी आगामी फिल्म ओजी दर्शकों के बीच उत्साह पैदा कर रही है। वही अब इस फिल्म से जुड़ी नई जानकारी सामने आई है। पवन कल्याण की बहुप्रतीक्षित फिल्म दे कॉल हिम ओजी उफ ओजी पर लंबे समय से काम चल रहा है। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बनने की बात पवन कल्याण की राजनीतिक प्रतिबद्धता के कारण फिल्म निर्माण में कुछ देरी हुई। सुजीत द्वारा निर्देशित इस एक्शन थ्रिलर फिल्म का प्रशासक द्वारा बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। ओजी निर्माता ने लंबे अंतराल के बाद शूटिंग फिर से शुरू कर दी है। टीम ने सेट से निर्देशक सुजीत की एक तस्वीर साझा की है और यह अपडेट इंटरनेट पर धूम मचा रहा है। वर्तमान में टीम उन दृश्यों को फिल्मा रहे हैं जिनमें पवन कल्याण की उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है। पवन कल्याण बाद में शूटिंग में शामिल हो गए। फिल्म में प्रियंका मोहन भी मुख्य भूमिका में है। बॉलीवुड अभिनेता इब्राहिम हाशमी पावरफुल पवन कल्याण के दुश्मन की भूमिका निभा रहे है। श्रेया रेड्डी, अर्जुन दास, हरीश उत्तमन, अभिमन्यु सिंह और अन्य इस गैंगस्टर एक्शन ड्रामा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। थमन ने फिल्म को संगीत दिया है। डीवीवी दानिया इस बड़े फिल्म का निर्माण कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में पवन कल्याण की फिल्म ओजी की शूटिंग शुरू हो गई है, इसकी न्यू जानकारी सामने आई है, इसके बारे में जानेंगे। साउथ सुपरस्टार पवन कल्याण वर्तमान में आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपनी जिम्मेदारी में व्यस्त हैं। इसके साथ ही वे अपने बहुप्रतीक्षित फिल्म ओजी को लेकर भी चर्चा में बने हुए हैं। हालांकि अब सिनेमा में उनकी वापसी का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सुजीत द्वारा निर्देशित उनकी आगामी फिल्म ओजी दर्शकों के बीच उत्साह पैदा कर रही है। वही अब इस फिल्म से जुड़ी नई जानकारी सामने आई है। पवन कल्याण की बहुप्रतीक्षित फिल्म दे कॉल हिम ओजी उफ ओजी पर लंबे समय से काम चल रहा है। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बनने की बात पवन कल्याण की राजनीतिक प्रतिबद्धता के कारण फिल्म निर्माण में कुछ देरी हुई। सुजीत द्वारा निर्देशित इस एक्शन थ्रिलर फिल्म का प्रशासक द्वारा बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। ओजी निर्माता ने लंबे अंतराल के बाद शूटिंग फिर से शुरू कर दी है। टीम ने सेट से निर्देशक सुजीत की एक तस्वीर साझा की है और यह अपडेट इंटरनेट पर धूम मचा रहा है। वर्तमान में टीम उन दृश्यों को फिल्मा रहे हैं जिनमें पवन कल्याण की उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है। पवन कल्याण बाद में शूटिंग में शामिल हो गए। फिल्म में प्रियंका मोहन भी मुख्य भूमिका में है। बॉलीवुड अभिनेता इब्राहिम हाशमी पावरफुल पवन कल्याण के दुश्मन की भूमिका निभा रहे है। श्रेया रेड्डी, अर्जुन दास, हरीश उत्तमन, अभिमन्यु सिंह और अन्य इस गैंगस्टर एक्शन ड्रामा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। थमन ने फिल्म को संगीत दिया है। डीवीवी दानिया इस बड़े फिल्म का निर्माण कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में पवन कल्याण की फिल्म ओजी की शूटिंग शुरू हो गई है, इसकी न्यू जानकारी सामने आई है, इसके बारे में जानेंगे। साउथ सुपरस्टार पवन कल्याण वर्तमान में आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपनी जिम्मेदारी में व्यस्त हैं। इसके साथ ही वे अपने बहुप्रतीक्षित फिल्म ओजी को लेकर भी चर्चा में बने हुए हैं। हालांकि अब सिनेमा में उनकी वापसी का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सुजीत द्वारा निर्देशित उनकी आगामी फिल्म ओजी दर्शकों के बीच उत्साह पैदा कर रही है। वही अब इस फिल्म से जुड़ी नई जानकारी सामने आई है। पवन कल्याण की बहुप्रतीक्षित फिल्म दे कॉल हिम
ओजी उर्फ ओजी पर लंबे समय से काम चल रहा है। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बनने की बात पवन कल्याण की राजनीतिक प्रतिबद्धता के कारण फिल्म निर्माण में कुछ देरी हुई। सुजीत द्वारा निर्देशित इस एक्शन थ्रिलर फिल्म का प्रशासक द्वारा बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। ओजी निर्माता ने लंबे अंतराल के बाद शूटिंग फिर से शुरू कर दी है। टीम ने सेट से निर्देशक सुजीत की एक तस्वीर साझा की है और यह अपडेट इंटरनेट पर धूम मचा रहा है। वर्तमान में टीम उन दृश्यों को फिल्मा रहे है जिनमें पवन कल्याण की उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है। पवन कल्याण बाद में शूटिंग में शामिल हो गए। फिल्म में प्रियंका मोहन भी मुख्य भूमिका में है। बॉलीवुड अभिनेता इब्राहिम हाशमी पावरफुल पवन कल्याण के दुश्मन की भूमिका निभा रहे है। श्रेया रेड्डी, अर्जुन दास, हरीश उत्तमन, अभिमन्यु सिंह और अन्य इस गैंगस्टर एक्शन ड्रामा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। थमन ने फिल्म को संगीत दिया है। बीवीवी दानिया इस बड़े फिल्म का निर्माण कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में पवन कल्याण की फिल्म ओजी की शूटिंग शुरू हो गई है, इसकी न्यूज जानकारी सामने आई है, इसके बारे में जानेंगे। साउथ सुपरस्टार पवन कल्याण वर्तमान में आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपनी जिम्मेदारी में व्यस्त हैं। इसके साथ ही वे अपने बहुप्रतीक्षित फिल्म ओजी को लेकर भी चर्चा में बने हुए हैं। हालांकि अब सिनेमा में उनकी वापसी का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सुजीत द्वारा निर्देशित उनकी आगामी फिल्म ओजी दर्शकों के बीच उत्साह पैदा कर रही है। वही अब इस फिल्म से जुड़ी नई जानकारी सामने आई है। पवन कल्याण की बहुप्रतीक्षित फिल्म दे कॉल हिम ओजी उफ ओजी पर लंबे समय से काम चल रहा है। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बनने की बात पवन कल्याण की राजनीतिक प्रतिबद्धता के कारण फिल्म निर्माण में कुछ देरी हुई। सुजीत द्वारा निर्देशित इस एक्शन थ्रिलर फिल्म का प्रशासक द्वारा बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। ओजी निर्माता ने लंबे अंतराल के बाद शूटिंग फिर से शुरू कर दी है। टीम ने सेट से निर्देशक सुजीत की एक तस्वीर साझा की है और यह अपडेट इंटरनेट पर धूम मचा रहा है। वर्तमान में टीम उन दृश्यों को फिल्मा रहे है जिनमें पवन कल्याण की उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है। पवन कल्याण बाद में शूटिंग में शामिल हो गए। फिल्म में प्रियंका मोहन भी मुख्य भूमिका में है। बॉलीवुड अभिनेता इब्राहिम हाशमी पावरफुल पवन कल्याण के दुश्मन की भूमिका निभा रहे हैं। श्रेया रेड्डी, अर्जुन दास, हरीश उत्तमन, अभिमन्यु सिंह और अन्य इस गैंगस्टर एक्शन ड्रामा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। थमन ने फिल्म को संगीत दिया है। बीवीवी दानिया इस बड़े फिल्म का निर्माण कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में पवन कल्याण की फिल्म ओजी की शूटिंग शुरू हो गई है, इसकी न्यूज जानकारी सामने आई है, इसके बारे में जानेंगे। साउथ सुपरस्टार पवन कल्याण वर्तमान में आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपनी जिम्मेदारी में व्यस्त हैं। इसके साथ ही वे अपने बहुप्रतीक्षित फिल्म ओजी को लेकर भी चर्चा में बने हुए हैं। हालांकि अब सिनेमा में उनकी वापसी का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सुजीत द्वारा निर्देशित उनकी आगामी फिल्म ओजी दर्शकों के बीच उत्साह पैदा कर रही है। वही अब इस फिल्म से जुड़ी नई जानकारी सामने आई है। पवन कल्याण की बहुप्रतीक्षित फिल्म दे कॉल हिम ओजी उफ ओजी पर लंबे समय से काम चल रहा है। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बनने की बात पवन कल्याण की राजनीतिक प्रतिबद्धता के कारण फिल्म निर्माण में कुछ देरी हुई। सुजीत द्वारा निर्देशित इस एक्शन थ्रिलर फिल्म का प्रशासक द्वारा बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। ओजी निर्माता ने लंबे अंतराल के बाद शूटिंग फिर से शुरू कर दी है। टीम ने सेट से निर्देशक सुजीत की एक तस्वीर साझा की है और यह अपडेट इंटरनेट पर धूम मचा रहा है। वर्तमान में टीम उन दृश्यों को फिल्मा रहे है जिनमें पवन कल्याण की उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है। पवन कल्याण बाद में शूटिंग में शामिल हो गए। फिल्म में प्रियंका मोहन भी मुख्य भूमिका में है। बॉलीवुड अभिनेता इब्राहिम हाशमी
पावरफुल पवन कल्याण के दुश्मन की भूमिका निभा रहे हैं। श्रेया रेड्डी, अर्जुन दास, हरीश उत्तमन, अभिमन्यु सिंह और अन्य इस गैंगस्टर एक्शन ड्रामा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। थमन ने फिल्म को संगीत दिया है। बीवीवी दानिया इस बड़े फिल्म का निर्माण कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में पवन कल्याण की फिल्म ओजी की शूटिंग शुरू हो गई है, इसकी न्यू जानकारी सामने आई है, इसके बारे में जानेंगे। साउथ सुपरस्टार पवन कल्याण वर्तमान में आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपनी जिम्मेदारी में व्यस्त हैं। इसके साथ ही वे अपने बहुप्रतीक्षित फिल्म ओजी को लेकर भी चर्चा में बने हुए हैं। हालांकि अब सिनेमा में उनकी वापसी का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सुजीत द्वारा निर्देशित उनकी आगामी फिल्म ओजी दर्शकों के बीच उत्साह पैदा कर रही है। वही अब इस फिल्म से जुड़ी नई जानकारी सामने आई है। पवन कल्याण की बहुप्रतीक्षित फिल्म दे कॉल हिम ओजी उफ ओजी पर लंबे समय से काम चल रहा है। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बनने की बात पवन कल्याण की राजनीतिक प्रतिबद्धता के कारण फिल्म निर्माण में कुछ देरी हुई। सुजीत द्वारा निर्देशित इस एक्शन थ्रिलर फिल्म का प्रशासक द्वारा बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। ओजी निर्माता ने लंबे अंतराल के बाद शूटिंग फिर से शुरू कर दी है। टीम ने सेट से निर्देशक सुजीत की एक तस्वीर साझा की है और यह अपडेट इंटरनेट पर धूम मचा रहा है। वर्तमान में टीम उन दृश्यों को फिल्मा रहे है जिनमें पवन कल्याण की उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है। पवन कल्याण बाद में शूटिंग में शामिल हो गए। फिल्म में प्रियंका मोहन भी मुख्य भूमिका में है। बॉलीवुड अभिनेता इब्राहिम हाशमी पावरफुल पवन कल्याण के दुश्मन की भूमिका निभा रहे हैं। श्रेया रेड्डी, अर्जुन दास, हरीश उत्तमन, अभिमन्यु सिंह और अन्य इस गैंगस्टर एक्शन ड्रामा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। थमन ने फिल्म को संगीत दिया है। बीवीवी दानिया इस बड़े फिल्म का निर्माण कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में पवन कल्याण की फिल्म ओजी की शूटिंग शुरू हो गई है, इसकी न्यू जानकारी सामने आई है, इसके बारे में जानेंगे। साउथ सुपरस्टार पवन कल्याण वर्तमान में आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपनी जिम्मेदारी में व्यस्त है। इसके साथ ही वे अपने बहुप्रतीक्षित फिल्म ओजी को लेकर भी चर्चा में बने हुए हैं। हालांकि अब सिनेमा में उनकी वापसी का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सुजीत द्वारा निर्देशित उनकी आगामी फिल्म ओजी दर्शकों के बीच उत्साह पैदा कर रही है। वही अब इस फिल्म से जुड़ी नई जानकारी सामने आई है। पवन कल्याण की बहुप्रतीक्षित फिल्म दे कॉल हिम ओजी उफ ओजी पर लंबे समय से काम चल रहा है। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बनने की बात पवन कल्याण की राजनीतिक प्रतिबद्धता के कारण फिल्म निर्माण में कुछ देरी हुई। सुजीत द्वारा निर्देशित इस एक्शन थ्रिलर फिल्म का प्रशासक द्वारा बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। ओजी निर्माता ने लंबे अंतराल के बाद शूटिंग फिर से शुरू कर दी है। टीम ने सेट से निर्देशक सुजीत की एक तस्वीर साझा की है और यह अपडेट इंटरनेट पर धूम मचा रहा है। वर्तमान में टीम उन दृश्यों को फिल्मा रहे है जिनमें पवन कल्याण की उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है। पवन कल्याण बाद में शूटिंग में शामिल हो गए। फिल्म में प्रियंका मोहन भी मुख्य भूमिका में है। बॉलीवुड अभिनेता इब्राहिम हाशमी पावरफुल पवन कल्याण के दुश्मन की भूमिका निभा रहे हैं। श्रेया रेड्डी, अर्जुन दास, हरीश उत्तमन, अभिमन्यु सिंह और अन्य इस गैंगस्टर एक्शन ड्रामा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। थमन ने फिल्म को संगीत दिया है। बीवीवी दानिया इस बड़े फिल्म का निर्माण कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में पवन कल्याण की फिल्म ओजी की शूटिंग शुरू हो गई है, इसकी न्यू जानकारी सामने आई है, इसके बारे में जानेंगे। साउथ सुपरस्टार पवन कल्याण वर्तमान में आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपनी जिम्मेदारी में व्यस्त हैं। इसके साथ ही वे अपने बहुप्रतीक्षित फिल्म ओजी को लेकर भी चर्चा में बने हुए हैं। हालांकि अब सिनेमा में उनकी वापसी का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
सुजीत द्वारा निर्देशित उनकी आगामी फिल्म ओजी दर्शकों के बीच उत्साह पैदा कर रही है। वही अब इस फिल्म से जुड़ी नई जानकारी सामने आई है। पवन कल्याण की बहुप्रतीक्षित फिल्म दे कॉल हिम ओजी उफ ओजी पर लंबे समय से काम चल रहा है। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बनने की बात पवन कल्याण की राजनीतिक प्रतिबद्धता के कारण फिल्म निर्माण में कुछ देरी हुई। सुजीत द्वारा निर्देशित इस एक्शन थ्रिलर फिल्म का प्रशासक द्वारा बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। ओजी निर्माता ने लंबे अंतराल के बाद शूटिंग फिर से शुरू कर दी है। टीम ने सेट से निर्देशक सुजीत की एक तस्वीर साझा की है और यह अपडेट इंटरनेट पर धूम मचा रहा है। वर्तमान में टीम उन दृश्यों को फिल्मा रहे है जिनमें पवन कल्याण की उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है। पवन कल्याण बाद में शूटिंग में शामिल हो गए। फिल्म में प्रियंका मोहन भी मुख्य भूमिका में है। बॉलीवुड अभिनेता इब्राहिम हाशमी पावरफुल पवन कल्याण के दुश्मन की भूमिका निभा रहे हैं। श्रेया रेड्डी, अर्जुन दास, हरीश उत्तमन, अभिमन्यु सिंह और अन्य इस गैंगस्टर एक्शन ड्रामा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। थमन ने फिल्म को संगीत दिया है। बीवीवी दानिया इस बड़े फिल्म का निर्माण कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में पवन कल्याण की फिल्म ओजी की शूटिंग शुरू हो गई है। इसकी न्यू जानकारी सामने आई है, इसके बारे में जानेंगे। साउथ सुपरस्टार पवन कल्याण वर्तमान में आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपनी जिम्मेदारी में व्यस्त है। इसके साथ ही वे अपने बहुप्रतीक्षित फिल्म ओजी को लेकर भी चर्चा में बने हुए हैं। हालांकि अब सिनेमा में उनकी वापसी का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सुजीत द्वारा निर्देशित उनकी आगामी फिल्म ओजी दर्शकों के बीच उत्साह पैदा कर रही है। वही अब इस फिल्म से जुड़ी नई जानकारी सामने आई है। पवन कल्याण की बहुप्रतीक्षित फिल्म दे कॉल हिम ओजी उफ ओजी पर लंबे समय से काम चल रहा है। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बनने की बात पवन कल्याण की राजनीतिक प्रतिबद्धता के कारण फिल्म निर्माण में कुछ देरी हुई। सुजीत द्वारा निर्देशित इस एक्शन थ्रिलर फिल्म का प्रशासक द्वारा बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। ओजी निर्माता ने लंबे अंतराल के बाद शूटिंग फिर से शुरू कर दी है। टीम ने सेट से निर्देशक सुजीत की एक तस्वीर साझा की है और यह अपडेट इंटरनेट पर धूम मचा रहा है। वर्तमान में टीम उन दृश्यों को फिल्मा रहे है जिनमें पवन कल्याण की उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है। पवन कल्याण बाद में शूटिंग में शामिल हो गए। फिल्म में प्रियंका मोहन भी मुख्य भूमिका में है। बॉलीवुड अभिनेता इब्राहिम हाशमी पावरफुल पवन कल्याण के दुश्मन की भूमिका निभा रहे हैं। श्रेया रेड्डी, अर्जुन दास, हरीश उत्तमन, अभिमन्यु सिंह और अन्य इस गैंगस्टर एक्शन ड्रामा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। थमन ने फिल्म को संगीत दिया है। बीवीवी दानिया इस बड़े फिल्म का निर्माण कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में पवन कल्याण की फिल्म ओजी की शूटिंग शुरू हो गई है। इसकी न्यू जानकारी सामने आई है, इसके बारे में जानेंगे। साउथ सुपरस्टार पवन कल्याण वर्तमान में आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपनी जिम्मेदारी में व्यस्त है। इसके साथ ही वे अपने बहुप्रतीक्षित फिल्म ओजी को लेकर भी चर्चा में बने हुए हैं। हालांकि अब सिनेमा में उनकी वापसी का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सुजीत द्वारा निर्देशित उनकी आगामी फिल्म ओजी दर्शकों के बीच उत्साह पैदा कर रही है। वही अब इस फिल्म से जुड़ी नई जानकारी सामने आई है। पवन कल्याण की बहुप्रतीक्षित फिल्म दे कॉल हिम ओजी उफ ओजी पर लंबे समय से काम चल रहा है। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बनने की बात पवन कल्याण की राजनीतिक प्रतिबद्धता के कारण फिल्म निर्माण में कुछ देरी हुई। सुजीत द्वारा निर्देशित इस एक्शन थ्रिलर फिल्म का प्रशासक द्वारा बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। ओजी निर्माता ने लंबे अंतराल के बाद शूटिंग फिर से शुरू कर दी है।
टीम ने सेट से निदेशक सुजीत की एक तस्वीर साझा की है और यह अपडेट इंटरनेट पर धूम मचा रहा है। वर्तमान में टीम उन दृश्यों को फिल्मा रहे हैं जिनमें पवन कल्याण की उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है। पवन कल्याण बाद में शूटिंग में शामिल हो गए। फिल्म में प्रियंका मोहन भी मुख्य भूमिका में है। बॉलीवुड अभिनेता इब्राहिम हाशमी पावरफुल पवन कल्याण के दुश्मन की भूमिका निभा रहे हैं। श्रेया रेड्डी, अर्जुन दास, हरीश उत्तमन, अभिमन्यु सिंह और अन्य इस गैंगस्टर एक्शन ड्रामा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। थमन ने फिल्म को संगीत दिया है। डीवीवी दानिया इस बड़े फिल्म का निर्माण कर रहे हैं। लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में पवन कल्याण की फिल्म ओजी की शूटिंग शुरू हो गई है, इसकी न्यू जानकारी सामने आई है, इसके बारे में जानेंगे। साउथ सुपरस्टार पवन कल्याण वर्तमान में आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपनी जिम्मेदारी में व्यस्त हैं। इसके साथ ही वे अपने बहुप्रतीक्षित फिल्म ओजी को लेकर भी चर्चा में बने हुए हैं। हालांकि अब सिनेमा में उनकी वापसी का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सुजीत द्वारा निर्देशित उनकी आगामी फिल्म ओजी दर्शकों के बीच उत्साह पैदा कर रही है। वही अब इस फिल्म से जुड़ी नई जानकारी सामने आई है। पवन कल्याण की बहुप्रतीक्षित फिल्म दे कॉल हिम ओजी उफ ओजी पर लंबे समय से काम चल रहा है। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बनने के बाद पवन कल्याण की राजनीतिक प्रतिबद्धता के कारण फिल्म निर्माण में कुछ देरी हुई। सुजीत द्वारा निर्देशित इस एक्शन थ्रिलर फिल्म का प्रशासक द्वारा बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। ओजी निर्माता ने लंबे अंतराल के बाद शूटिंग फिर से शुरू कर दी है। टीम ने सेट से निर्देशक सुजीत की एक तस्वीर साझा की है और यह अपडेट इंटरनेट पर धूम मचा रहा है। वर्तमान में टीम उन दृश्यों को फिल्मा रहे हैं जिनमें पवन कल्याण की उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है। पवन कल्याण बाद में शूटिंग में शामिल हो गए। फिल्म में प्रियंका मोहन भी मुख्य भूमिका में है। बॉलीवुड अभिनेता इब्राहिम हाशमी पावरफुल पवन कल्याण के दुश्मन की भूमिका निभा रहे हैं। श्रेया रेड्डी, अर्जुन दास, हरीश उत्तमन, अभिमन्यु सिंह और अन्य इस गैंगस्टर एक्शन ड्रामा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। थमन ने फिल्म को संगीत दिया है। डीवीवी दानिया इस बड़े फिल्म का निर्माण कर रहे हैं।